नमस्ते। एक प्रश्न बहुत ही सालों से मेरे मन में हमेशा रहती थी कि जब मुगल आए और ये मुसलमान लोग आए और सारे इतने मंदिरें तोड़ डाले, वहां के पुजारी, वहां के राजा, वहां के भक्त लोग सबने उसको रोकने की जब कोशिश भी की, तो देवताओं ने उनको सहायता क्यों नहीं किया? सोमेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इनको भी इतने आसानी से ध्वंस कैसे कर पाए मुसलमान लोग? मतलब पशुतुल्य प्राणी है ये आके हमारे मंदिरों को जब ध्वंस किया, तो इतने आसानी से कैसे कर पाए होंगे? तो इसमें जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ वो यही था कि ये जो मंदिरों का सिस्टम है, ये एक शक्तियों को वहां पे स्थापित करके एक ऐसा स्थान बनाया गया था, अभी भी बनाया जाता है। जब तो मंदिर प्रतिष्ठा के समय ऐसे ऐसे उसके मंत्र है कि वो शक्ति को, जैसे एक फोन का टावर होती है ना, जैसे फोन का टावर वो जहां से आ रहे हैं वहां से फोन का सिग्नल को पकड़ रहा है, और यहां से फिर अलग 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 इलाकों में जैसे टावर लगे हुए हैं, तो वो टावर वो फोन के सिग्नल को आगे आपके मोबाइल फोन तक पहुंचा रहा है, नेटवर्क का सिग्नल पहुंचा रहा है। तो टावर का क्या काम है? जहां से ये सिग्नल आ रहा है वहां से आपके फोन तक पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे ही ये मंदिरे जो शक्तियां है, जो दिव्य शक्तियां है, गणेश हो, लक्ष्मी हो, शिव हो, और भी जो जो शक्तियां है, वो शक्तियों के जो भक्त लोगों तक उसी शक्ति की कृपा पहुंचाना, या भक्त लोगों के प्रार्थना उस शक्ति तक पहुंचाना, अर्थात एक कम्युनिकेट करने का माध्यम ये है। जैसे फोन का टावर है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं तभी वो टावर के थ्रू से कनेक्ट हो रहा है, कोई और आपको कॉल कर रहे हैं तब भी उस टावर के थ्रू से वो आ रहा है। तो भगवान की कृपा भी आप तक पहुंचने का जरिया और आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचने के जरिया, ये कम्युनिकेट करने की जैसा एक शक्ति की एक सिस्टम बनाया गया था, वो है मंदिर की पूजा पाठ हवन प्रार्थना। किसी के घर में समस्या है, वहां जाने से शांति मिलती थी, किसी के कुछ मनोकामनाएं वहां पे पूरा होती थी। कितने साधक लोग ऐसे मंदिरों के स्थान पर साधना किया है, तपस्या किया है, तो उनको साधना में सिद्धि लाभ, तपस्या में उनको सिद्धि लाभ भी वहीं होती थी। तो ये दिव्य एक जगह, एक पवित्र स्थान जो भक्त और भगवान को जोड़ने का काम करता था, वो था वो मंदिरे। तो इसलिए फोन का टावर तो कोई तोड़ ही सकता है ना, सैटेलाइट पर भी कोई जाके एक बम में या मिसाइल डाल दे तो वो सैटेलाइट भी ध्वंस हो जाएगा, कितना ही बड़ा सैटेलाइट क्यों ना हो। तो वैसे ही क्यों, जो कि ये पशुतुल्य प्राणी है, हाँ ये मुसलमान लोग, फिर भी उन्होंने जब आए और किया तो वो ध्वंस कर पाए, अपने बल से वो ध्वंस कर पाए। पर उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा धर्म और हमारी कल्चर ऑलरेडी इतना आगे बढ़ा हुआ है, इतना एडवांस्ड है कि योग और शास्त्रों की विद्या, सारे विद्या, ऐसे सूक्ष्म विद्याएं हमारे पास है कि हर एक इंसान उसको जान के अब योग से अपने ही अंदर भगवान को वो जागृत कर सकता है, कुंडलिनी जागरण करके वो खुद ही देवताओं के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। हर एक इंसान अपने ही सिस्टम में देवताओं के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो पर जो नुकसान हुआ, नुकसान धर्म के नुकसान से ज्यादा नुकसान जो मुझे लगता है कि अभी तक भी ये जैसे आधा टूटे मंदिरे, आधे टूटे ये सुंदर सुंदर जो जो प्रतिकृतियां हैं मंदिरों में, पिलर है वगैरह है, वो सारे आधे टूटे फूटे अभी भी जो है उसमें, वो देख के वो स्मृति हमेशा रह जाएगा कि इतना, इतने घृणा के साथ एक समुदाय ने इतना अत्याचार हुआ इस देश पर, वो स्मृति जैसे रह जाएगा हमेशा के लिए इनके जरिए, ये टूटे फूटे मंदिरों के जरिए। और इतने सुंदर आकृतियां था, इतना सुंदर कला, इतनी कलाकारी, आर्किटेक्चर, आर्ट की इतने सुंदर निशानियां, उसको इतने
गंदे तरीके से इन्होंने बिगाड़ दिया, आधे टूटे टूटे सारे प्रतिकृतियां और वो सारे टूटे फूटे पिलर दीवारें, तो वो इनके मतलब कांड की निशानी हमारे इतिहास में ये रह जाएगा। तो क्षमा योग्य नहीं है, कभी क्षमा योग्य नहीं और क्षमा होगा भी नहीं, भगवान भी उनके क्षमा नहीं करेंगे, उनको तो अपना कर्म तो वो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, वो अलग बात है। पर जो एक मन में वो लगता था कि ये ध्वंस कर कैसे पाए, तो उसका उत्तर वही है कि क्योंकि ये फोन का टावर जैसे ना, सिग्नल का टावर, तो सिग्नल का टावर तो कोई भी तोड़ सकता है ना, उसमें शक्तियों को कोई हानि नहीं है, शक्तियों को क्या, उनको भगवान को देवताओं को कोई परवाह थोड़ी है, उनको कोई परवाह नहीं है, पर वो है कि एक सुंदर मतलब किसी ने एक बड़े सुंदर से एक टीवी बनाया, वो टीवी को कोई तोड़ दे, एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है जिससे कि वो शक्तियों को धरकर भक्तों तक पहुंचाने का, उनके कृपा उनके आध्यात्मिक तरंगे भक्तों तक लोगों तक पहुंचाने का एक जो जरिया एक मैकेनिज्म बनाया था वो टूट गई, उतना ही है। तो यही है,